भाई रे घरे कोई महाराज आ गया यार, महाराज भी बहुत महंगी गाड़ी में बैठ रहा है यार। भाई जायपुर और महाराज रो वो गाड़ी वाला रंग नोर देखियो, मन में विचार कोई इतनी मूंगी गाड़ी में महाराज बैठा है, इरो मतलब बाबूजी मारो बेड़ो पार कर सके। जार दौड़ दिया बाबूजी, राम महाराज कर दिया, रामा जी रामा सामा करिया। अरे वो भाई गाड़ी रे चारू में फिर मन में विचार करू इतनी मूंगी गाड़ी है, दो टाइम री रोटी तो महाराज अपने जिमा सके। बोझार प्रणाम करिया, रामाराज रामाराज। चेला क्या हालचाल है? बोले बाबूजी हालचाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पांच आदिन वेगा कोई संत को नहीं मिलिया, मारे घर पग मारना करावना। महाराज की कोई बात नहीं, चेला तेरी इच्छा है तेरो भाव है तो चालो करे। वो महाराज रे पाचो प्रणाम करिया, क्यों बाबूजी निहाल कर दिया, जीवी प्रणाम करियो। यार भैरी नजर पड़ गई महाराज रे बूट फेरियोड़ा, आगे देखे तो 3500 रुपया बूट एडिडास कंपनी रहा। भाई मन में विचार करियो 35-40 लाख रही गाड़ी, 3500 रुपया बूट, इरो मतलब मामलो तो हाई पाई है। बाबूजी चालो घरा, जीवी घरा ले गयो। और वो भाई के महाराज मारे घर में देवता रो आड़ो है, हेर बाबूजी जूतिया महीने अलव को नहीं, जूतिया थाने बारे पौड़िया माते खोदना पड़ी। कोई बात नहीं चेला तेरी इच्छा है, तू रसोई जिमावे ने तो पगतिया माते खोल दे। महाराज बूट खोल दिया पगतिया माते, ले गयो महाराज ने घरा। ली जार आप माचो डाल्यो, गायो पत्र नो बिछायो, एन महाराज ने कहो बाबूजी 2-20 मिनट माला फेरो, अरे मैं जीते थोड़ो बाजार में वदा हूटरो सामान। अब सामान कहीं लावे साहब, जे मैं तो गोड फलेगरा पैकेट में देसो बीड़िया गलियोड़ी धके 20 नोट लारे 4 लड़ो अखबार गलियोड़ो बैठो जेब ने माडाणी ऊंची ऊंची करे, दो तीन टोल टैक्स पर्चा गलियोड़ी। अब 20 रुपया में कितो किरणों लावे, विचार करियो संत करे आ गया। अब किरणों किया लाऊं, सामान किया लाऊं, की कर महाराज रे रसोई बनाऊं, कहीं करा जे मैं 1 ही रुपयो है नहीं, दे 20 रुपया सामरा पारी छाई जे तो कई स्कीम करा। भाई मन में विचार करियो महाराज रो धन महाराज ने की मादो, घर में गियो फाटोड़ो सिरमटरो कटो लेन आयो। बाबूजी 20 मिनट राम राम करो, मैं बाजार में दुकान मांगा नेड़ी दुकान अबार आयो, फाटोड़ो चिरमटरो कटो लेन गियो, महाराज रा 3500 रुपया बूट कटा मंगा दिया। अब साहब बाजार में जाए पुरन कोई भाई ने पूछियो, भाई साहब 3500 रुपया बूट है, 200-300 में लेवो कहीं? कोई खेड़े सांगे ने पी रोड़ो, मन में विचार करियो पगड़ के रोजी ना कांटा भागे, 3500 रुपया लिखतरा 300 में देवे। अब 300 रुपया कने रोकड़ भाई टिक्यो, 100 ग्राम दाखार काजूर बिदामा, यार 3 किलो ले लियो दूध आयो। और महाराज ने बनाई बढ़िया खीर, काजू दाका बिदामा नागदी पूरी, क्यों बापो तेरी कमाई नहीं जको बढ़िया बनाई महाराज ने रेड़ाई पूरी खीर आ जाडी जट। यार भरियो महाराज ने मोटोड़ो बाटको, बाटको भर। यार महाराज ने कियो बाबूजी रसोई रोगो जी आई, महाराज रसोई जीवन लागा, खीर पीवने लागा घटाघट कर, बढ़िया स्वादिष्ट खीर बड़ी। खीर पीगा पीता ही वो चेलो पूछियो महाराज रसोई किया बड़ी? महाराज के बेटा आनंद आई गो। वो चेलो के बाबूजी थाका चरणारी कृपा है, थाने कर दिया रामदेव रो जाओ जड़ा जीते महाराज हम जिया को नहीं लेकिया को नहीं उड़बाणो कर दिया, क्यों बाबूजी थाका चरणारी कृपा है। महाराज रसोई जीमर बारे आया, बारे आर देखे तो पगतिया माते बूटिया को ने, चेला मार बूट कौन दी गया? क्यों बाबूजी पीगा कसोई कौन सड़ी लारे डकारी को नहीं आ, क्यों ठाका ही है? क्यों बाबूजी बता खीर कैडी पी, मैं कोई नरगम थोड़ी डुकड़ो, हाँ तो गांव की शोक अमरपुर मूसाणा गिरा का आया गया ना लिखता हूँ काम चलो न्याल कर दिया थे आनो मारे खीर 2 दिन और हजी आ कहीं दूनी कर कर पीऊँ 3-4 दिन मंडाई आराम खराब को निभा। जन्मात्मा के चरणा में रखो माने सुख चरणा को है, माता पिता सुत भ्राता ये सब मतलब रनाता। सजनो संसार में दिखे जगह सब स्वार्थी है, नी दिखे जगह हाचार, दिखे जगह सब मतलब रहा है। कोई कहे मारे 10,000 फ्रेंड, कोई कहे मारे 50,000 फ्रेंड, 50,000 काम को नहीं आवे। कोई कांकड़ में ठोकिया आवे तो नहीं तो इंस्टाग्राम छुड़ावे ना फेसबुक छुड़ावे, हाँ घना ही 5,000 फ्रेंड है फेसबुक माते, पर साहब छोटी खाटूरा बाजार में कूटे ना 5,000 में एक ही मोबाइल उबार को निकले है ठोक्यो डारी फोटो चढ़ाओ नीचे कमेंट आई वेरी नाइस थाने ठोक्यो भूंडो कड़ो रे जीवड़ा, ये सब लावा लेवनिया है। इसलिए विश्वास करे भगवान पर, यह सब स्वार्थ रहा है मतलब रहा है। मोह है जन अगला ही नेड़ा खांचे, प्रेम है जन अगला ही नेड़ा खांचे। एक बेटो कलेक्टर बने जन कितना जना गर्व करे, मारो भतीजो बने आगो ही लागो, ओ मारो
पति जो जाति मिल गई तो हो तो मारे खास इको गांव में ये दादा मारा दादा तो ये गांव ऊंचो ना ठीक है आटे डबगार मैं तक जाइल की परा मारे गनो निकले साहब मारे तो कणगति बुआ रहे वो कलेक्टर बन इतो नडो अपा हम करा मो करा यार बोई जे साहब कुंटल खान डोडियम पकड़ी गोवे तो नहीं अगोड़ा नहीं ओ जानो कौन कर किरर मिठा पैसे मत अपन रहता फिर किरर दो तीन बार पूछी घणो ही हाव नेड़ो है आधार कार्ड मिले राशन कार्ड मिले फिंगरप्रिंट मिले किरर है वो के बस पूर्व बार दोई तो हूं तू यहां कहीं रहती है जरा बिन दाखली क्यों बो जिलगो यार बोई कलेक्टर बन गए धगलाई भू क्या ताने ओ देखो हमारा साहब कोटा बूंदी कलेक्टर ज्वाइन करियो मिठा कणे कणे दे 2000 हा जी दुनिया में इतो स्वार्थ है इतनी बात कोई यार मंदिर के सामने बोल देवे ना मैं थारो थे मारा तो भगवान साहब के बाटारी मूर्ति भी बोलनी पड़े यदि आप बात कोई मंदिर में जा के देख थे मारा और मैं थारा तो अबे तो मंदिर में जावा तो सिर्फ फॉर्मलिटी हो जरदो गलियोड़ो मुंडा मेरे पड़गो मंदिर में मोजा खोलिया नहीं खोलिया हुडी देर पड़गो टंकोरो बजायो दो अगरबत्तियां जोई तके भगवान रखावा बड़े तो छो बड़ता तुली बुझेगी नहीं जालर बजेगी नहीं बजाई अबे तो जालराला सिस्टम बंदी वेगा साहब लगभग 99% भारत के गांवों में जालर नहीं बजती है 1% गांव में एड़ा कोई गांव है जटे आज भी बूढ़िया उत्तर चाल चलन है जटे जालर मिनक बजावे अबे जालर बजावे लाइटा चार जालरा बेड़ी कर दी दो टंकोरा बेड़ा कर दिया तीन नगड़ा बेड़ा कर दिया एक हटको चालू कर दिया अगला बेड़ा ही अगला ही टंकोरा हाथ ही बोले मैं साइकिल वाली चैना गाल दी दो चार जालर बाजती बाजती रे लाइट की भी खटको चालू रह गो पुजारी मिंदर को ताड़ो देर घर चले गयो रात्रि 2 बजे जीव बा टूबे लाली लाइट जुड़ी ने कह बेटी जालरा मिंदर में 2 बजे हरुएगी भगवान तो खुद गेला उगर मन तू जालर बजावे मन जालर बनावे कोई टेम देखे न कोई गुटे रात्रि 2 बजे आने चीरे लेन फेरा उन्हें मिंदर में आरती आवे आदमी कने टाइम ही नहीं है गाड़ी वो नीचे नहीं उतरी चार अंगल कांच खोलियो मिंदर के सामने जा टिंटाड़ी बजाई कर हेलो भगवान क्या बहुत ज्यादा बिजी धक्के निकल तीन गेला फंटा चटो तन डिकेट रखाड़ो थोड़ी दारू हम चार दूजा ही आवे भगवान के सामने गया बगे 2 मिनट को टाइम तो देव साहब भगवान ने प्रभु थे मारार में थारा जन भगवान समर्पण करना पड़े सरेंडर करना पड़े भगवान के सामने क्योंकि आत्म समर्पण करिया बिना भगवान मिल वाला कौन है भगवान कहे मैं भाव का पुका हा लेकिन भाव देवे तब ना हाँ ठीक कहीं लाए एक लाइ मैं कहीं फिर खेड़ी मत पीड़ियो क्या वैसा गोडा लुड़े तो पेट हमें लुड़े केड़ो ही होती राशन कार्ड है तो एक गोली लाइ इंटा पापा 3 भजन गाय लिया गोली एक बंटा में पापा का वो रो बैठो बैठो वाह भैया भगवान हजरता जरा के था भाव है वही भाव है बेटा रो बाप रे प्रति भाव देखो कटू चॉकलेट ले रहे हो टाचा मार पापा ने पापा रे लर दौड़िया मार मकोड़ा भगवान का भाव होना चाहिए सर ये भाव है नपो वस्तु में नहीं नपो भाव में हो आपने नागौर की खिवसर तहसील टांगला गांव में संत हुआ मेघवाल समाज में संत किशन दास जी महाराज एक साकी लिखी नपा वस्तु में नहीं नपा भाव में हो अरे भाव बिना किशन दास तू बेटो थारी पूंजी खोई देखो भाव हो जाए आज 10 साल पहले गंवार बिको 40,000 रुपया कुंटल अबे लोग ले को नहीं पाटो बंद ने मारे गांव में गई रबी बीबी का खेत बीगा गंवार चक्र बीगा लखपति कलडा वे लियो 38,000 मेरे बेटो फाचो बीगो छो दे रो अब आर बेन रात रा कोई नींद उठाने देवे ना गंवार ले हो गई उसके चिमक परान खेड़ी में चढ़ जा तू जाने रे गंवार जाने 20 बीगा खेत गियो गंवार चक्र में हाल तो उंदरा करगा बागा बेटो होले नहीं उदे ही लागे नहीं पूरा घर में गंवार ही गंवार लोग यहां फूकाड़े देते कांकरे कांकरा पड़िया भाव में नपो है सर आनंद राव जी महाराज फरमावे महाराज ये अपने नागौर की धरती माली समाज राजू जी माली के घर में जन्म लियो खेराम जी महाराज रा चेला संतलिक्ष्मी दास जी महाराज कहियो लुड़तई में गणो नपो आदमी जीती लुड़तई राके वीती आदमी री जीत मिलिया करे वी तो आदमी ने लोग चाया करे लुड़तई राके तो दुनिया गुलाम है
वास्ते लुड़ता ही राखो, कड़ाई मत राखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। यार अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है साहब, जो नीचो लुड़दो जाने समझ लो मीनत पड़ो है भी मैं। लिखमीदास जी महाराज कहियो लुड़ता ही में गणो नपो, कड़ाई में गणा कांटा। हेर कड़ाई करी राजा रावण जीरा राम जी काट दिया पटक पटक कर। चलो राम जी तो आटा काटिए काटिए हालते गवर्नमेंट लारे लागी है, 12 महीना में एक पुतलो न्यारो बढ़ावे, खर्चो लगावे, दुनिया भरा फटाका, दुनिया भर अखबार गाल गालन, ताड़िया उबो कर कर कहीं बापड़ा ने छोले। हाँ तीन गेला फंटे जटे जगह भी जय बोली वाने, बहुत बहुत धन्यवाद। दो चार जना कोशिश करी वाने भी धन्यवाद। 5000 था का पचाई नहीं भी हमारे चरणों में मारा दंडोत प्रणाम। क्यों जागरण में आ रही है थी, जय नहीं बोला ना तो अपनी जय कोई दूजा बोला गाड़ी। अरे कही हम जोड़ा उबा कने एक लो मिलर कने जय बोला और कही बोलगी। अरे कही बोली आई जावे देखते हैं क्या जावे। अरे फलान जी रहा तो पत्र तिरता सा चाहिए रहा बाजार में, अभी मांगी उड़ी बीड़ी कौन देवे, क्यों मारी जय बोलगी। इसलिए भगवान के गट में आके, भगवान के दरबार में आके कोई तरह की लाज शर्म ना रखें। ये भगवान का घर है, भगवान कभी कोई ना जात देखे, ना पांच देखे, ना अमीर देखे, ना गरीब देखे, ना ऊंच देखे, ना नीच देखे, ना गाड़ी देखे, ना घोड़ा देखे, भगवान देखे तो सिर्फ भाव देखे। भगत किस भाव से मेरे शरण में आया है, केड़ो बर्तन ले रहा हो, ये बर्तन के आधार से भगवान आपने फल दिया कर। यदि बर्तन भी फूटोड़ो है तो बोले तो घी ले रहा हो और चाहे छाछ ले रहा हो, वो ढूंढो ही ढूंढो, लेने का तरीका अपने पास पवित्र होना चाहिए। बस भगवान कहे बस तू लेने वाला है, मैं देने वाला हूं, बस लेना तेरे हाथ में है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, तू जहां बुलाएगा मैं देने को हाजिर हूं। खेत में बुलावे तो ही तैयार, घर बुलावे तो ही तैयार। अरे भगवान तो साहब इतना दयालु है, ऊंडा बेरा में बुलाए तो ही हाजिर होगा। अब ते मन में हो चोला भगवान बेरा में क्यों गया, बीरो भी दृष्टांत बताऊं आपने, भगवान ऊंडी देड़ में गया अपना दर्शन लेने, वेणो छे जे साचो भगत। आप सुनियो बोला शेख फरीदा अपनी मां ने कह रहे घरों निकल गयो और शेख फरीदा जार बेरा में लटक गो, अरे भगवान भी ने लटकियोड़ा बेरा में भी दर्शन दे दिया। होना चाहिए भाव, किताब दयालु है भगवान का। हे हे रा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सो सो चंदायुगवे सूरज तपे वो हजार इतरो चाननो होवता मेरे गुरु बिन गोरी अंधार। आग लगी आसमान में और जुर जुर पड़े अंगार, गुरुदेव न होते दुनिया में तो जल जातो संसार। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे हो प्रभु। नमो नमो भगवंत। अपनी नागौर की धरती मेरता के सारे रेण गांव है, रेण में संत हुए अनंत श्री दरियाव जी महाराज, जहां का जन्म हुआ पाली जिले की जेतारण तहसील जेतारण नगरी में। दरियाव जी महाराज का जन्म हुआ रेण में, भगवान की भक्ति करी
और रामसनेही संप्रदाय की पीठ है रैण पीठ। एक पीठ है खेड़ापा रामधाम, दूसरी रैण रामधाम, तीसरी सिंथल रामधाम और चौथी है सापुरा रामधाम। रैण में अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज भगवान का भजन कराया और बारह गादीपति पीठाधीश्वर संत श्री आचार्य हरिनारायण जी महाराज भगवान की भक्ति करी और वहां के देवलोक गमन के बाद में अभी आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज गादीपति संत पीठाधीश्वर श्री श्री का जाराट विराजमान है। तो अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज वाणी लिखकर गया, आपने सबने भजन सुने और सभी बोलेंगे साथ में गाएंगे। दरियाऊ जी महाराज आपका गुरु महाराज ने दोनों हाथ जोड़ क्यों नहीं लगा, प्रभु दीनानाथ मैं आपका और आप हमारा। अरे मैं तो अर्जी करा हो गुरु जी थाने हो चरणा मेरा को माने, अरे मारी लाज शर्म सभी थाने हेलो छोड़े क्यों की सुनो छाने। मैं तो अर्जी करा गुरु जी थाने वो चरणा मेरा किलो माने, सभी मती नबीरा नाता। ओ गुरु मात पिता सुती प्राता ये तो सभी स्वर तीरा नाता। अरे मैं अर्ज करा गुरु जी थाने वो चरणा मेरा किलो माने। गुरु पव चढ़ परियो उंडो बारो अने सूजत नहीं वो किनारो। ओ गुरु पव चढ़ परियो उंडो बारो ये जीवन सूजत नहीं वो किनारो। ये जी आयो भरोसा
गुरु तन मन धन सभी थारो चाहे शीश काटी लो मारो ओ गुरु तन मन धन सभी थारो चाहे शीश काटी लो मारो सच्चे दरबार पांची भाई जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की प्रेम से बोलिए सभी सजन गौ माता की सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की अरज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने। अब बात दरियाव जी महाराज क्यों लिखी लिखी तो चरणारी क्यों लिखी आई कह सकता अरज करूं मैं थाने खाओ मत राख दो माने लिख वाला तो कहीं लिख सकता कोई जगह मान लेता कोई जगह मांग लेता लेकिन नहीं चरणों को सुख क्यों मांगे हो कि चरणों में चार धाम को सुख बतायो शास्त्रों में इसलिए दरियाव जी महाराज लिख दियो अर्ज करूं मैं थाने विनती करूं मैं थाने चरणा में रखो माने सुख है जगह सब चरणा को है आनंद जगह सब चरणा को आनंद है अपन बड़ा मीन को प्रणाम करा तो चरणा में प्रणाम करा माता पिता ने धोख देवा तो चरणा में देवा गौ माता ने प्रणाम करा तो चरणों में देवा संत ब्राह्मणा ने प्रणाम करा तो धोख देवा तो चरणों में धोख देवा कभी कनपट्टी ठोक रामा श्यामा करिया गए धोख देव सा शेप टू शेप कौन करे क्यों शरीर में तो सब बराबर है कभी गुद्दी महात्मा थोड़ी करिए धोख देव काकू नहीं चरणों में ही प्रणाम करा क्योंकि आदमी जीव नीचो लुड़े प्रणाम करने के लिए चरणों में उन समय हजारों लाखों अपराध करोड़ा जड़ जाया करे संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जितना पग सामी धरे उतना यज्ञ समान संत मिलिया इतना टड़े काल जाल जिम चोट शीश निवाया गिर पड़े लग पापा की पोट नीचो मातो करना लाखों अपराध जड़ जावे इन वास्ते आदमी बड़ा मिनक ने प्रणाम करे जो ना नीचो लुड़े अभी तो लोग नीचा लुड़ना बंद होगा उबो भी गोडा थी दोग दू दगलो क्या ठीक है जीव तो रहे ओ तू क्या वजह नहीं जिया नितर जातो रहे तू लुड़ नहीं तो नीचे लुड़ी तुम दगलो आशीर्वाद ही तो दे क्यों जितो रिचार्ज कराओ जितो बैलेंस मिले 25 रुपया में साहब 29 रुपया कोई कौन दे 25 में 22 रुपये जी मिले आप जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा प्रणाम करो बूढ़िया लोग प्रणाम करता बूढ़िया सपाला ने पूछो धोख देनो क्या हुए तो संत मिलता लांबा पक करता नाकरी अड़ी नाकरे अड़ी ने चरणा में धरता लंबा वेर प्रणाम करता जिन्हें कहता दंडोत प्रणाम दंडवत प्रणाम वो प्रणाम वे तो अबे तो ठीक है फॉर्मेलिटी में लोग देखावटी में रामा श्यामा करा रामा श्यामा में भी फॉर्मेलिटी करने शुरू कर दी में मिला उठे रामा श्यामा दो तरह रहा एक तो रामा श्यामा वे नम्रता ही रहा लुड़ता ही रहा रामा श्यामा प्रेम बोले राम राम शाह दखलो बहुत प्रेम बोले राम जी राम साहब किसो गांव तारो छोटी खाटू आओ चाय पानी पियो रोटी जिमो आराम करो आपा प्रेम बोलिया राम राम शाह तो दखलो ही बोलियो राम राम शाह एक राम राम शाह फॉर्मेलिटी रहा एक मिनट में 33 बार राम राम शाह राम राम शाह राम राम शाह हम लेनो मोटो गोलीबाज है कड़ी टोपी पहरा सके ई तो हऊ करो बतावे हीरो मतलब बैठो कने कने 40-50 हजार ले सके क्यों संसार में घना तरीका लोग है कई लटधारी कई मटधारी खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी न्यारी है